भीड़ हो रही है बहुत। हेलो मेरे फ्लावर्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है उस एयरपोर्ट से जहाँ पे सभी सेलिब्रिटीज आते हैं अपनी फ़ोटो खिंचवाने और एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पास टिकट्स नहीं होती हैं, तो जिनके पास होती है सिर्फ वही जा पाते हैं। तो मेरे पास टिकट है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ अंदर, और अंदर भी आपको अभी पता चलेगा क्योंकि मैं जा रही हूँ मुंबई से इंदौर। मैं जा रही हूँ अपने काम से, लेकिन काम करने के बाद मैं वहाँ पे कहीं और गई हूँ। जो लोग इंस्टा पे हैं उनको पता भी चल गया होगा क्योंकि व्लॉग लेट आ रहा है, मेरे पास एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। तो ये देखो भैया को, ये शीशे साफ कर रहे हैं जो आज के, देखो किस तरह से। तो मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, जो भी मुझे दिखता है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी उसको देखें और आप लोग भी इंजॉय करें घर बैठे। और इस तरह से हमारी एंट्री होती है, हम जाते हैं जहाज के अंदर अपनी टिकट दिखाकर। और ये देखो मैं यहाँ पे एंट्री कर रही हूँ, गेट पे मैं एंट्री कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं अपना सीट नंबर देख के बैठ जाऊँगी और मैं बैठने के बाद ही आपको सीधा बैठती हुई दिखूँगी आई थिंक, नहीं चलते हुए भी दिख रही हूँ। तो जितना रिकॉर्ड हो पाता है मैं करती हूँ और आपको बताती भी हूँ, दिखाती भी हूँ, तो आप लोग इंजॉय भी कर सकते हो। और ये मेरा गला ख़राब है, उसको इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे मैं शाम को आई थी एयरपोर्ट, एंड पहुँचते पहुँचते अंधेरा होने ही वाला था तो हो गया, इतना मैं पहुँची क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी बहुत लेट भी हो जा रही है आजकल सारी, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है सभी फ्लाइट्स में। और तो यहाँ पे रात को पहुँचे और फ़्लाइट से बाहर निकली, निकलने के बाद यहाँ पर बस आई लेने, उसके बाद मैं जा रही हूँ बस की तरफ। और अब मैं बस में जाने के बाद जहाज को बाय बाय बोलूँगी, आपको भी दिखाऊंगी। और देखो मुझे नींद आ चुकी है और इसके बाद मैं बस में जा चुकी हूँ और मैं बाय बाय कर रही हूँ। और अब आप देखिए मैं पहुँच गई हूँ कहाँ। तो जहाँ से मैंने प्रसाद लिया था वहाँ पे मैंने अंकल को बोला कि मेरी वीडियो बना दो, और ऐसे ही जस्ट मैं पीछे जाके आगे आ जाऊँगी, बस इतनी ही वीडियो, क्योंकि दूसरों को बोल के मैं कितना ही शूट कराऊँ। और उसके बाद मैंने अंकल को की भी फ़ोटो खींची, उन्होंने भी खिंचवाई, और उसके बाद मैं चल दी अंदर और ये लिया मैंने प्रसाद। अब मैं जा रही हूँ अंदर, मैं आई हूँ उज्जैन और ये मैंने प्रसाद लिया, मैं जा रही हूँ अंदर। तो मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ और मुझे नहीं पता था कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो जैसे ही मैं सब जा रहे थे मैं भी जा रही थी, और जो मुझे कुछ पूछना था तो मैं पूछ के भी चली जा रही थी। और यहाँ से रास्ता था अंदर जाने का, ये यहाँ से रास्ता शुरू हो चुका था एंट्री का, और यहाँ से सब लोग अंदर जा रहे थे, मैं भी जा रही हूँ। मेरे एक हाथ में प्रसाद है और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो जैसे भी बन रही है, और जितनी मैं शूट कर पाई उतना मैंने किया है, और मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं दूंगी, तो वहाँ का जो ओरा था वो आप महसूस नहीं कर पाओगे। और फिर आगे महाकाल जी के जयकारे लगने शुरू हो जाएंगे और उसमें आपको बहुत ही आनंद आएगा। और बस ये इस तरह से रास्ता शुरू हुआ था, और आगे बहुत लंबा रास्ता है, आप लोग देखिए। ये देखिए ये गेट है अंदर जाने का, चला सूट।
दर्शन मैंने कर लिए थे और अभी मैं यहाँ पे पूरा बाहर से देख रही थी कि सब कैसा है, और मैं ये सोच रही थी कि मैं फ़ोटो कहाँ पे लूँ, कैसे लूँ, लेकिन भीड़ इतनी थी कि मैं कहीं पे भी अपना मोबाइल रख के फ़ोटो नहीं ले सकती थी, और सब लोग अपना लगे हुए थे फ़ोटो खींचने में हाथ जोड़ जोड़ के। हेलो मेरे प्लांट्स, मैं हूँ उज्जैन में और यहाँ पे आपको ये देख रहे हो पीछे ये इस तरह से हाथ जोड़ के जो आपको दिख रहे होंगे, इस तरह से फोटो खिंचाना अनिवार्य है। बदतमीज हूँ और अब मैं बाहर आ गई हूँ और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ कहीं और, वो मैं आपको बताऊँगी अगले व्लॉग में। बदतमीज़ ना हो तो